हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मित्सुबिशी के एफएक्स वन एन पीएलसी के बारे में। एफएक्स वन एन पीएलसी एफएक्स वन एस पीएलसी की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट जो होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखिए, जो एफएक्स वन एन 14 एम आर डी एस पीएलसी है, इस पीएलसी में 14 का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है, एम आर का मतलब रिले होता है, एम का मतलब मेलसेक, डी एस का मतलब होता है डीसी सप्लाई। ठीक है, तो ये एफ एक्स वन एन सीरीज़ का पीएलसी है, इसमें मैक्सिमम 14 नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है, ये रिले बेस पीएलसी है और ये डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये डिटेल दी हुई है। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इसके 14 है, पावर सप्लाई इसका 12 से 24 वोल्ट डीसी है, और जो इंटीग्रेटेड इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो 8 इसमें इनपुट है और 6 आउटपुट है, ये रिले बेस है, और इसका जो पावर कंजप्शन है वो है 13 वाट। अब देखिए, हम देखते हैं एफ एक्स वन एस सीरीज़ के बारे में। ये देखिए, जो एफ एक्स वन एस पी एल सी है, इसमें डिफरेंस ये था कि जो डीसी सप्लाई थी वो 24 वोल्ट डीसी थी ओनली। ठीक है, लेकिन जो एफ एक्स वन एन पी एल सी है उसमें 12 से लेकर 24 वोल्ट डीसी सप्लाई हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है एफ एक्स वन एन 14 एम आर ई एस स्लैश यू एल के बारे में यदि बात करें तो ये पी एल सी 100 से 240 वोल्ट एसी तक ऑपरेट होता है, 8 इनपुट और 6 आउटपुट होते हैं, ये भी रिले बेस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम आर है। ठीक है, ये वाला पी एल सी ट्रांजिस्टर बेस है, एफ एक्स वन एस 14 एम टी डी एस एस, ये 12 से 24 वोल्ट तक ऑपरेट होता है और 8 और 6 इसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं, और ये ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप आउटपुट देता है। पावर कंजप्शन इसका 13 वाट होता है। वेट की बात करें तो इसका 450 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। ठीक है, एफ एक्स वन एन 14 एम टी ई एस एस स्लैश यू एल पी एल सी, ये 100 से 240 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है, 8 इनपुट होते हैं इसमें और 6 आउटपुट होते हैं, ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम टी लिखा हुआ है। ठीक है ना, सोर्स टाइप आउटपुट होता है, पावर कंजप्शन इसका इतना होता है। एफ एक्स टू एन 24, ये पी एल सी सेम इस पी एल सी से मिलता जुलता है, बस जो नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है उनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट जो है इसमें 24 है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट 14 थे। ठीक है, ये 12 से 24 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, इसमें 14 इनपुट और 10 आउटपुट रहते हैं। यहाँ पर देखिए, 8 इनपुट और 6 आउटपुट थे। एफ एक्स वन एन 14 और एफ एक्स वन एन 24 में डिफरेंस यही होता है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से एफ एक्स वन एन 24 एम आर ई एस स्लैश यू एल पी एल सी में भी 24 नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, लेकिन ये 100 से 240 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है। ठीक है, इसको जो इनपुट सप्लाई देते हैं हम, वो 12 से 24 वोल्ट देते हैं, ये एसी वोल्ट पर ऑपरेट होता है। ठीक है, 14 टोटल इसमें इनपुट होते हैं और 10 आउटपुट होते हैं, ये रिले बेस होता है। ठीक है, और एफ एक्स वन एंड 24 एम टी डी एस एस, ये जो पी एल सी होता है ये भी 24 नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट का होता है, लेकिन ये 12 से 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है, 14 इनपुट 10 आउटपुट और ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप आउटपुट इसका होता है। ठीक है, इसका पावर कंजप्शन 15 वाट का होता है और वेट इसका 450 ग्राम होता है। डायमेंशन की यदि बात करें तो 90x90x75 इसके डायमेंशन रहती है। ठीक है, एफ एक्स वन एन 24 एम टी ई एस एस स्लैश यू एल पी एल सी, इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो 24 मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, 100 से 240 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, 14 इसमें इनपुट होते हैं, 10 आउटपुट होते हैं और ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप इसका आउटपुट होता है। ठीक है, ये पीएलसी इस तरह से दिखाई देता है। अब देखिए, एफ एक्स वन एस 14 और एफ एक्स वन एन 24, इनमें दोनों में चार चार पीएलसी हैं और दो पीएलसी इसमें रिले बेस होते हैं, एक पीएलसी 12 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है, दूसरा पीएलसी 100 से 240 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है। ठीक है, दो पीएलसी इसमें ट्रांजिस्टर बेस भी होते हैं, जो जिसमें से एक पीएलसी 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, दूसरा पीएलसी 100 से 240 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। सेम इसी तरह से एफ एक्स वन एंड 24 में भी होता है, इसमें दो पीएलसी रिले बेस होते हैं, दो पीएलसी ट्रांजिस्टर बेस होते हैं, जो रिले बेस पीएलसी होते हैं उनमें एक 12 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है, मतलब 12 से 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है, और दूसरा 100 से 240 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है। जो ट्रांजिस्टर टाइप के पीएलसी हैं उसमें भी एक 12 से 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है और दूसरा 100 से 240 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अब देख लेते हैं अगले पीएलसी के बारे में। तो इसमें 40 और 60 इसमें जो बेस यूनिट मिलती है अपने को, 40 में यदि आप बात करोगे तो 24 इनपुट मिलेंगे और 16 आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, दो रिले बेस हैं, दो ट्रांजिस्टर बेस हैं,
एक 12 से 24 वोल्ट डीसी है, दूसरा है 100 से 240 वोल्ट एसी, ये दो रिले में है। और ट्रांजिस्टर में भी सेम इसी तरह से 12 से 24 वोल्ट डीसी का भी एक पीएलसी है और 100 से 240 वोल्ट एसी का भी एक पीएलसी है, ठीक है। FX1N60MRDS, तो इसमें टोटल 60 मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, 36 इसमें टोटल इनपुट होते हैं, 24 आउटपुट होते हैं, दो इसमें रिले बेस है, दो पीएलसी इसमें ट्रांजिस्टर बेस है, ठीक है। तो जो FX1S पीएलसी था उसमें 10, 14, 20 और 30, मतलब मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट थे FX1S सीरीज में वो थे 30। और यहाँ पर जो FX1N सीरीज के जो पीएलसी हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम अपने को 60 इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पीएलसी थोड़े से बड़े होते हैं FX1S पीएलसी की अपेक्षा। अब देखिए जो FX1N बेस यूनिट होती है इसमें 14 से लेकर 60 अपने को इनपुट और आउटपुट के पॉइंट मिल जाते हैं, और ये रिले बेस और ट्रांजिस्टर बेस दोनों में अपने को मिल जाते हैं, ठीक है। 24 वोल्ट 12 से 24 वोल्ट डीसी में भी मिल जाते हैं और 100 से 240 वोल्ट में भी पीएलसी अपने को मिल जाते हैं। स्पेशल फीचर्स की यदि बात करें तो इसमें सीरियल इंटरफेस कम्युनिकेशन होता है पर्सनल कंप्यूटर और एचएमआई के बीच में, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग यूनिट इंटरफेस एलईडी इसमें अपने को इंडिकेटिंग के लिए मिल जाती है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए अपने को इसमें एलईडी मिल जाती है, ठीक है। और यदि इसके टर्मिनल ब्लॉक की बात करें तो इसमें 14, 24, 40 और 60 आईओस के मिल जाते हैं, ठीक। स्लॉट फॉर मेमोरी कैसेट, पीएलसी के अंदर एक स्लॉट होता है जिसके अंदर हम कोई मेमोरी डाल सकते हैं। ऑल डीसी मॉडल्स विथ वेरिएबल वोल्टेज फ्रॉम 12 अप टू 24 वोल्ट, इसका फायदा यही है FX1S की अपेक्षा कि इसमें 12 से लेकर 24 वोल्ट वेरिएबल वोल्टेज में अपने को पीएलसी के मॉडल मिल जाते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड रियल टाइम क्लॉक आरटीसी का फंक्शन भी होता है, और यदि इसके फिटमेंट की बात करें तो जो डायरेक्ट एमसीबी चैनल होता है उस पर ये फिट हो जाता है। तो देखिए इसमें एक ऐसा स्लॉट दिया होता है जहाँ पर अपने एमसीबी कॉन्टैक्टर रिले माउंट होते हैं, उसी जगह पर ये भी माउंट हो जाता है। इसके लिए पैनल में अलग से होल करने की या टेप करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो FX1N पीएलसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मित्सुबिशी की किसी और मॉडल पीएलसी के बारे में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।